हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी को ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 9 जुलाई 2020 और आज के डेट के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और साथ में क्विज़ भी है, तो मेक श्योर इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए दिन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले पॉजिटिव थाट से। अ ड्रीम डजेंट बिकम रियलिटी थ्रू मैजिक, इट टेक्स स्वेट डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। तो आपके जो भी सपने हैं वो कोई जादू से पूरा नहीं होने वाले हैं, उनको पूरा करने के लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, वो भी पूरे डिटर्मिनेशन के साथ। तो चलिए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कल के वीडियो का कुछ रिवीजन। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने महाजॉब पोर्टल शुरू किया है। हाल ही में राजीव स्वरूप को राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में यस बैंक ने तत्काल ऋण संवितरण के लिए लोन इन सेकंड का शुभारंभ किया है। हाल ही में इसराइल ने स्पेस में ओफेक 16 स्पाई सैटेलाइट लॉन्च किया है। हाल ही में उर्जित पटेल ने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नाम की पुस्तक को लिखा है। और विश्व चॉकलेट दिवस मनाया गया 7 जुलाई को। हाल ही में मध्य प्रदेश के पर्यटन ने इंतजार आपका अभियान शुरू किया है। हाल ही में इजेंती श्रीनिवास को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में कोयला और परमाणु ऊर्जा को बंद करने वाला जर्मनी पहला बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। हाल ही में जारी हुई सतत विकास रिपोर्ट 2020 में भारत 117वें नंबर पर है। अफगानिस्तान ने शैक्षिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भारत के साथ 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया है। और KS रेड्डी मानव अधिकारों पर COVID-19 के प्रभाव का आकलन करने के लिए NHRC द्वारा गठित 11 सदस्य समिति के प्रमुख होंगे। तो आइए अब देखते हैं आज के क्वेश्चंस। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड नेकर वीवर सम्मान योजना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेकर बुनकर सम्मान योजना शुरू की है? तो अभी हाल ही में कर्नाटका गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है जो भी बुनकर हैं उनके लिए नेकर सम्मान योजना। तो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर हैं BS येदियुरप्पा, इन्होंने लॉन्च किया है वीवर्स यानी कि बुनकर वीवर्स सम्मान योजना। ओके, और इस योजना के तहत जो भी वीवर्स या बुनकर हैं उनको 2000 रुपये तक की आर्थिक मदद दी जाएगी और लगभग 19,744 वीवर्स को ये सुविधा मिलेगी, वो भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के द्वारा। और इस स्कीम के लिए गवर्नमेंट ने लगभग 10.96 या 10.96 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं इस स्कीम के लिए। बात करें कर्नाटका की तो यहाँ की कैपिटल है बेंगलोर, गवर्नर हैं वाजू भाई वाला और चीफ मिनिस्टर हैं BS येदियुरप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पेमेंट बैंक हैज़ लॉन्च्ड भविष्य सेविंग अकाउंट फॉर माइनर्स। हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने नाबालिगों के लिए भविष्य बचत खाता लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में फिनो पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया है जो भी नाबालिग हैं या अंडर एज्ड हैं माइनर्स हैं उनके लिए भविष्य सेविंग अकाउंट। ठीक है, जो भी माइनर्स हैं जिनकी एज है 10 से 18 साल के बीच की उनके लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है जिसका नाम है भविष्य। और बात करें तो इसे लॉन्च क्यों किया गया है, तो जो भी चिल्ड्रंस हैं उनमें बैंकिंग और सेविंग की हैबिट को बढ़ावा देने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। और इस अकाउंट को सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर यानी कि EKYC के द्वारा खोला जा सकता है, कोई भी बैंक में जाके फिजिकली जाके डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, EKYC के द्वारा ही अकाउंट खोला जा सकता है। और इस अकाउंट में एक प्लैटिनम रुपे डेबिट कार्ड भी मिलेगा और कोई मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस का रिक्वायरमेंट नहीं है, बस इसमें एनुअल सब्सक्रिप्शन चार्ज लगेगा कितना 349 रुपये जिसमें कि GST भी इंक्लूडेड है। बात करें फिनो पेमेंट बैंक की तो इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ है 2006 में, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, MD एंड CEO हैं ऋषि गुप्ता और टैगलाइन है कदर आपकी मेहनत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन बॉक्सर हैज सिक्योर्ड टॉप स्पॉट इन AIBA वर्ल्ड मेंस रैंकिंग 2020। हाल ही में किस भारतीय मुक्केबाज ने AIBA विश्व पुरुष रैंकिंग 2020 में शीर्ष स्थान हासिल किया है?
अभी हाल ही में अमित पंघल ने सिक्योर किया है टॉप स्पॉट AIBA वर्ल्ड्स वर्ल्ड मेंस रैंकिंग 2020 में। ओके, तो जो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन यानी कि AIBA है, उन्होंने अभी हाल ही में 2020 की मेंस और वुमेंस दोनों की वर्ल्ड रैंकिंग जारी की है, और मेंस में 52 केजी की कैटेगरी में टॉप किया है इंडियन बॉक्सर अमित पंघल ने। ओके, उनका टोटल पॉइंट था 1300 पॉइंट। और वुमेंस लिस्ट की बात करें तो जो मंजू रानी है, इन्हें सेकंड प्लेस मिला है, और ये थी 48 केजी की कैटेगरी में, और इनका टोटल पॉइंट था 1175 पॉइंट। बात करें AIBA की यानी इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की, तो इसका फाउंडेशन यानी कि स्थापना हुई थी 1946 में। हेडक्वार्टर है इसका लॉशेन में, जो कि स्विट्ज़रलैंड में है, और प्रेसिडेंट हैं AIBA के मोहम्मद मुस्तहसेन, और ये लोगो है AIBA का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विल बी अपग्रेडेड इनटू अ नेशनल पार्क बाय असम गवर्नमेंट। हाल ही में असम सरकार द्वारा किस वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया जाएगा? तो अभी हाल ही में असम गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि जो देहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कौन सी देहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको वो डेवलप करेंगे एज अ नेशनल पार्क, और अपग्रेडेशन के बाद ये असम का 6th नेशनल पार्क बन जाएगा। और बात करें इसके पहले 5 कौन से हैं और नेशनल पार्क, तो काजीरंगा, नामेरी, मानस, ओरंग और डिब्रू सैखोवा, ये 5 नेशनल पार्क पहले से ही असम में। और देहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जब अपग्रेड होने के बाद ये 6th नेशनल पार्क बनेगा असम का। बात करें असम की, तो यहाँ की कैपिटल है दिसपुर, गवर्नर हैं प्रोफेसर जगदीश मुखी, और चीफ मिनिस्टर हैं सर्वानंद सोनोवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट बिकम्स फर्स्ट इन इंडियन स्टेट टू हैव LPG कनेक्शंस इन ऑल द हाउस होल्ड्स। हाल ही में सभी घरों में LPG कनेक्शन देने वाला कौन सा राज्य सबसे पहला भारतीय राज्य बन गया है? तो अभी हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि हिमाचल प्रदेश बन गया है इंडिया का पहला स्टेट जहाँ पे हर घर पे LPG कनेक्शन हो चुका है। LPG का फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और ये वही गैस है जिसे हम किचन में यूज़ करते हैं। बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला है समर के लिए, और हाल ही में विंटर के लिए धर्मशाला को यहाँ की कैपिटल बना दिया गया है। ओके, तो अब हिमाचल प्रदेश की 2 कैपिटल हैं, याद रखिएगा, समर के लिए शिमला और विंटर के लिए धर्मशाला। यहाँ के गवर्नर हैं बंदारू दत्तात्रेया, और चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज़ ज्वाइंड हैंड विथ विले NXT टू क्यूरेट AI इन बैंकिंग प्रोग्राम्स। हाल ही में AI इन बैंकिंग कार्यक्रम को क्यूरेट करने के लिए किस भारतीय संस्थान ने विले NXT के साथ हाथ मिलाया है? तो अभी हाल ही में IIT रुड़की ने विले NXT के साथ टाई अप किया है, और ये अपने ही तरह का एक अलग प्रोग्राम लॉन्च किया इन्होंने जिसका नाम है AI इन बैंकिंग। ओके, बात करें तो ये एक 4 महीने का प्रोग्राम है जिसके तहत जो भी IT प्रोफेशनल्स हैं और ग्रेजुएट्स हैं उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा कि वो बैंकिंग सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रीज कोस्ट गार्ड हैज साइंड MOU विथ इंडियन कोस्ट गार्ड टू बूस्ट मैरीटाइम रिलेशंस। हाल ही में समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किस देश के तटरक्षक ने भारतीय तटरक्षक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो अभी हाल ही में इंडोनेशिया की कोस्ट गार्ड ने साइन किया है MOU विथ इंडियन कोस्ट गार्ड। बात करें इंडोनेशिया की, तो यहाँ की कैपिटल है जकार्ता, प्रेसिडेंट हैं जोको विल्डोडो, और करेंसी है इंडोनेशियन रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच राइड शेयरिंग कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विथ फ़ोनपे टू इन्हेंस इट्स डिजिटल पेमेंट एक्सपीरियंस टू इट्स कस्टमर्स। अपने ग्राहकों के डिजिटल भुगतान के अनुभव को बढ़ाने के लिए हाल ही में इस राइड शेयरिंग कंपनी ने फ़ोनपे के साथ साझेदारी की है। तभी हाल ही में ओला आपने सुना होगा, जो कैब्स चलती हैं ओला की, तभी हाल ही में ओला ने फ़ोनपे के साथ साझेदारी की है, और अब आप ओला ऐप में अपने फ़ोनपे को भी ऐड कर सकते हैं और डायरेक्ट फ़ोनपे से ही पेमेंट कर सकते हैं।
बात करें ओला की तो ओला का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में। को फाउंडर और CEO हैं ओला के भाविश अग्रवाल। और फ़ोनपे की बात करें तो इसका भी हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में। CEO हैं समीर निगम। और जो पैरेंट ऑर्गेनाइजेशन है फ्लिपकार्ट है फ़ोनपे की, यानी कि फ्लिपकार्ट ने ओन करके रखा है फ़ोनपे को। और ये देखिए फ़ोनपे के लोगो में नीचे लिखा हुआ है इंडियाज़ पेमेंट ऐप। ये भी कई बार आपसे एग्ज़ाम में पूछ लेता है, इसको स्लोगन या टैगलाइन बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेंटर हैज़ अप्रूव्ड फंड्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन। निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए केंद्र ने हाल ही में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए धनराशि को मंजूरी दी है? तभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश और गोवा, इन दोनों स्टेट्स के लिए मंजूरी दी गई है सेंटर से जल जीवन मिशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ओके, जो भी फंड्स रिक्वायर्ड है वो फंड्स अप्रूव हो चुका है। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में अनाउंसमेंट की थी जल जीवन मिशन की, जिसका एम था 2024 तक जो भी 18 करोड़ रूरल यानी कि ग्रामीण हाउस होल्ड हैं उन सभी को FHTC यानी कि फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन या पानी का जो भी फंक्शनल कनेक्शन है वो सब प्रोवाइड कराना। ओके, और इसके पहले कुछ और स्टेट्स के लिए फ़ंड रिलीज़ हो चुके हैं, जैसे कि उड़ीसा मेघालय असम बिहार, इनका फर्स्ट फेज़ में फ़ंड रिलीज़ हुआ था। उसके बाद मध्य प्रदेश झारखंड वेस्ट बंगाल के लिए फ़ंड रिलीज़ हुआ था, और उसके बाद महाराष्ट्र कर्नाटका और त्रिपुरा और लास्ट में तेलंगाना के लिए। और उसी सीरीज़ में अब फंड रिलीज़ हुआ है हिमाचल प्रदेश और गोवा के लिए। ओके, तो हिमाचल ने जो टारगेट रखा है फंक्शनल हाउस होल्ड टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड कराने का, वो टारगेट रखा है 2022 तक का। और उसके लिए जो फ़ंड रिलीज़ हुआ है वो हुआ है 326.2 करोड़ यानी 326.20 करोड़। और गोवा 100% FHTC प्रोवाइड कराएगा, उसने टारगेट रखा है 2021 तक का। और गोवा के लिए फ़ंड रिलीज़ हुआ है 12.40 करोड़। ओके, यानी 12.40 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट इंडिया बेस्ड CEO ऑफ UK IBC। हाल ही में UK IBC के पहले भारत आधारित CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में जयंत कृष्णा को नियुक्त किया गया है एज अ फर्स्ट इंडिया बेस्ड CEO ऑफ UK IBC। तो बात करें जयंत कृष्णा की, तो इसके पहले ये स्किल इंडिया मिशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसके CEO रह चुके हैं, और इन्होंने उसके अंदर में काफ़ी सारे इनिशिएटिव को लीड भी किया है। इसके अलावा वो NSDC यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के COO यानी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और साथ में ED यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी रह चुके हैं। इसके अलावा इन्होंने TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में भी 20 साल से ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड की है। UK IBC की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है UK इंडिया बिजनेस काउंसिल। ओके, क्या है UK इंडिया बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन है लॉर्ड डेविज ऑफ एबरसॉक। यहाँ के ग्रुप CEO हैं रिचर्ड हील्ड, और ये इसके पहले थे और अभी नए CEO बन गए हैं जयंत कृष्णा। ओके, ये अपना चार्ज एज्यूम करेंगे यानी ये ज्वाइन करेंगे 3 अगस्त 2020 से। इसके पहले अभी CEO रहेंगे रिचर्ड हील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल रियल इस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020। हाल ही में जारी ग्लोबल रियल इस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक क्या था? तो इंडिया था 34th प्लेस पे यानी 34वें नंबर पे, जो अभी हाल ही में ग्लोबल रियल इस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 जारी हुआ है उसमें। तो इस साल लॉन्च हुआ है 11th एडिशन। ओके, 11वां संस्करण लॉन्च हुआ है ग्लोबल रियल इस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 का, और इसमें लगभग 99 कंट्रीज और टेरिटरीज के साथ 163 सिटीज़ को भी कवर किया था। US बेस्ड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है जिसका नाम है जोन्स लैंग लसेल्स यानी कि JLL, इसके द्वारा रिलीज़ की गई है ये इंडेक्स।
इंडिया के पॉइंट्स की बात करें तो इंडिया का पॉइंट था 2.69 और इस इंडेक्स में टॉप किया है यूके ने, यूके का पॉइंट था 1.31। सेकंड नंबर पे था यूएसए, यूएसए का पॉइंट था 1.35 और थर्ड पे था ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का पॉइंट था 1.39। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च्ड सेल्फ स्कैन डॉक्यूमेंट स्कैनिंग ऐप। हाल ही में सेल्फ स्कैन नाम की डॉक्यूमेंट स्कैनिंग ऐप किसने लॉन्च की है? तो अभी हाल ही में वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर यानी कि ममता बनर्जी ने लॉन्च किया है सेल्फ स्कैन डॉक्यूमेंट ऐप। और बात करें वेस्ट बंगाल की तो यहाँ की कैपिटल है कोलकाता, गवर्नर हैं जगदीप धनखड़ और चीफ मिनिस्टर बताया अभी ऊपर ममता बनर्जी। तो आइए अब देखते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स। जोया खान हैज़ बिकम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर ऑपरेटर ऑफ इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर। जोया खान भारत कॉमन सर्विस सेंटर की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर बन गई हैं। ICMRNIV इन कोलैबोरेशन विथ भारत बायोटेक डेवलप्स इंडियाज फर्स्ट COVID-19 वैक्सीन कोवैक्सीन। भारत बायोटेक के सहयोग से ICMRNIV भारत का पहला COVID-19 वैक्सीन कोवैक्सीन विकसित किया है। ओके, ये नाम याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। ये इंडिया की पहली COVID-19 वैक्सीन है, इसका नाम है कोवैक्सीन। फिर है स्नोबोर्ड वर्ल्ड चैम्पियन एलेक्स पुलिंस ड्रोन्स इन डाइविंग मिसैप। स्नोबोर्ड वर्ल्ड चैम्पियन एलेक्स पुलिंग डाइविंग मिजाज में डूबे पाए गए। तो स्नोबोर्ड यानी जो स्नो में स्केटिंग होती है उसके जो वर्ल्ड चैम्पियन है उनका नाम है एलेक्स पुलिंग। ओके, ये भी हाल ही में डाइविंग कर रहे थे और वहाँ पता नहीं उनके साथ क्या एक्सीडेंट हुआ, क्या कुछ हुआ, कुछ ही देर बाद वो वहाँ डूबे मिले। नेक्स्ट है डेनमार्क विथड्रॉज एज होस्ट ऑफ 2021 आर्टिस्टिक जिमनास्टिक वर्ल्ड चैम्पियनशिप ड्यू टू COVID-19। डेनमार्क ने COVID-19 के कारण 2021 कलात्मक जिमनास्टिक विश्व चैम्पियनशिप के मेजबान के रूप से अपना नाम वापस ले लिया है। ठीक है, तो जो 2021 का कलात्मक जिमनास्टिक विश्व चैम्पियनशिप यानी कि आर्टिस्टिक जिमनास्टिक वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो था वो डेनमार्क में होने वाला था। ठीक है, उसकी मेजबानी डेनमार्क के पास थी लेकिन COVID-19 के चलते डेनमार्क ने अपना नाम वापस ले लिया है। हिंदी लिटरेचर राइटर प्रियमवत्स न्यू बुक भारतीय लोकतंत्र का कोरस कुछ बिसरी बिखरी ध्वनियाँ विल बी रिलीज्ड इन 2021। ओके, हिंदी साहित्य लेखक प्रियमवत की नई पुस्तक जिसका नाम है भारतीय लोकतंत्र का कोरस कुछ बिसरी बिखरी ध्वनियाँ 2021 में रिलीज होगी। यहाँ पे बिक्री है, बिक्री की जगह होगा बिखरी, और यहाँ पे कुछ है, कुछ की जगह होगा कुछ। ओके, थोड़ा मिसप्रिंट है। तो अब समय है आज के क्विज का। आज के क्विज का क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट इंडियन सोशल मीडिया ऐप लॉन्च्ड बाय वेंकैया नायडू। हाल ही में वेंकैया नायडू द्वारा लॉन्च किए गए पहले भारतीय सोशल मीडिया ऐप का नाम क्या है? तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। उसके बाद देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन। कल के वीडियो का क्वेश्चन था हु हैज़ लॉन्च्ड आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज। हाल ही में आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज किसने शुरू किया है? और इसका सही आंसर था नरेंद्र मोदी। और जिन्होंने भी इसका सही आंसर दिया है उनके लिए मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसी तरह आप जवाब देते रहिए क्योंकि ये क्विज़ आप ही के लिए एक टेस्ट की तरह है जिससे आप ही को पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पे है। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आपको अगर आज के वीडियो की PDF चाहिए तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। साथ ही होंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज़ भी होगा। तो मेक श्योर आप कल भी हमें इसी टाइम पे ज्वाइन करें। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइज़।